चुनावी सरगर्मियों के बीच कुछ सरगर्मियां ऐसी भी हैं जो चुनाव से हटकर हैं, लोगों के भविष्य से मुताल्लिक है और खास करके इस समाज के निर्माण से। लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो आज के समय में सरकारी स्कूल, तमाम सरकारी अस्पताल, तमाम सरकारी महकमों का एक जो मैनेजमेंट चल रहा है, उससे पूरा भारत ही क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की वाहवाही हो रही है। लोगों का ऐसा कहना है, उसका सच कुछ और ही निकला। मेन तो क्या है, जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है बच्चों के पास, स्कूल में पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, डेस्क टूटे हुए हैं, टीचर्स शॉर्टेज है, टीचर्स ही नहीं है। देखो तो वहाँ के हालात ही बहुत खराब थे, इतने बुरे हालात थे जिसकी कुछ उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हम और टीचरों से भी मिले। तो देखा तो वहाँ पे टीचरों की शॉर्टेज इतनी है, तो बताओ फिर कैसे सोल्यूशन होगा इसका। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, देश के अंदर, समाज के अंदर बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो कि समाज के लोग ही इन सब चीजों को ठीक कर पाते हैं, जिसमें आज के समय में अगर भारत की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से मसले मसाइल है जो लोग बात कह रहे हैं कि पूरे होने चाहिए, जिसमें भारत में एक नई सरकार बन चुकी है। हालांकि सरकार वही है लेकिन तरीका अलग। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें आई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर ही बहुमत हासिल किया था हमारे देश के अंदर। लेकिन अब 293 सीट को भी गठबंधन के साथ एक बहुत बड़ा झटका, साथ ही एक खुशी की लहर भी भाजपाइयों के लिए इस देश के अंदर। लेकिन दोस्तों, इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच कुछ सरगर्मियां ऐसी भी हैं जो चुनाव से हटकर हैं, लोगों के भविष्य से मुताल्लिक है और खास करके इस समाज के निर्माण से। दोस्तों, दिल्ली की आज के समय में मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है, ऐसा हमारे सरकार का दावा है, हमारा नहीं। सरकार ये कह रही है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सरकारों का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो काम किए गए काबिले तारीफ है। वही कुछ सरकारें आड़े हाथ भी ले रही है आम आदमी पार्टी को, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी हम इस फेरिस्त में शामिल करेंगे। लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो आज के समय में सरकारी स्कूल, तमाम सरकारी अस्पताल, तमाम सरकारी महकमों का एक जो मैनेजमेंट चल रहा है, उससे पूरा भारत ही क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की वाहवाही हो रही है। लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन सच क्या है? ग्राउंड लेवल पर जब कथा इस बात की छानबीन करने गया तो उसका सच कुछ और ही निकला। मेन तो क्या है, जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है बच्चों के पास, स्कूल में पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, डेस्क टूटे हुए हैं, टीचर्स शॉर्टेज है, टीचर्स ही नहीं है। देखो तो वहाँ के हालात ही बहुत खराब थे, इतने बुरे हालात थे जिसकी कुछ उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हम और टीचरों से भी मिले। तो देखा तो वहाँ पे टीचरों की शॉर्टेज इतनी है, तो बताओ फिर कैसे सोल्यूशन होगा इसका। सेंट्रल दिल्ली का एक इलाका दरियागंज, दरियागंज का नाम शायद उन लोगों ने भी सुना होगा जो आज तक दिल्ली के अंदर तशरीफ नहीं फरमाया। उसका कारण यह है कि दरियागंज एक सेंटर लोकेशन है, एक एपिसेंटर अगर हम उसे दिल्ली का कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा। दरियागंज दिल्ली के अंदर एक ऐसा इलाका है जहां पे बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों के भविष्य को सशक्त करने में लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो कोई ट्रस्टी स्कूल हो, चाहे वो एडिड स्कूल हो या चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल हो। दरियागंज के इसी इलाके में एक स्कूल ऐसा भी है जिसका आज से 10 साल पहले तक, आज से 20 साल पहले तक, आज से 50 साल पहले तक इतना नाम था जिसकी मिसाल शायद हम इस वीडियो में ना दे सके। दरियागंज का जैन स्कूल, जो आज तक के तमाम मुकामी स्कूलों में से एक था दिल्ली के अंदर, आज उसका हाल क्या है? कुछ दिनों पहले कथा ने दरियागंज के जैन स्कूल के कुछ ऐसे एलुमनाई से बात करी जो तकरीबन आज से 7 से 8 साल पहले तक इस स्कूल से पास आउट हो चुके हैं। वो एक जैन स्कूल होने के बावजूद भी एक जैन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैनेजमेंट से अपील है मेरी कि वहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा, और बच्चों पे भी ध्यान दे, फैकल्टी पे भी ध्यान दे। बंजर से भी बेकार जो कुछ होता है ना, तो वो हुआ पड़ा है इस समय। मेरा बच्चे का फ्यूचर क्या है? अगर जिस स्कूल से बच्चे का फ्यूचर ही नहीं जुड़ेगा तो वो पेरेंट्स क्यों करवाएंगे एडमिशन। जैन स्कूल के एक फैकल्टी मेंबर से भी हमने बात करी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील ना करने के कारण हम उनका नाम आपको चैनल पर नहीं बता सकते, लेकिन इन कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दरियागंज के जैन स्कूल की स्थिति क्या है। इन एलुमनाइज से जब हमने बात करी, एलुमनाइज यानी वो स्टूडेंट्स जो आज से कुछ साल पहले तक उस स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन अब पास आउट हो चुके, अलग अलग सेक्टर्स में नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दरियागंज के जैन स्कूल के कुछ एलुमनाइज से जब हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि जैन स्कूल की मौजूदा स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। लेकिन दोस्तों, जब हमने उन तमाम दिक्कतों का उन लोगों से कारण पूछा कि इसका कारण क्या है, तो नाम केवल एक आया, वो नाम था मैनेजमेंट। दरियागंज के जैन स्कूल का मैनेजमेंट एक जमाने में जितना बेहतर था, आज उसका मैनेजमेंट उतना ही खस्ता हाल है। दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर अभी हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इस समय, मौजूदा समय में बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं
और जैन स्कूल में भी यही आलम है कि जुलाई के बाद यानी कि 1 जुलाई से बच्चों का आवागमन इस स्कूल के अंदर शुरू होगा। लेकिन कितने बच्चों का, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, दरियागंज जैन स्कूल की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? जाहिर है आपके जहन में एक सवाल होगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तकरीबन 800 बच्चे, 900 बच्चे, 1000 बच्चे, 1100 बच्चे, 1200 बच्चे। एक जमाना था जब जैन स्कूल के अंदर 1200 तक बच्चों की एक जो स्ट्रेंथ थी वो जा चुकी थी। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना जैन स्कूल के कुछ फैकल्टीज का है, जैन स्कूल के कुछ एलुमनाइज का है। लेकिन आज हालात क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। मेन तो क्या है, जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है बच्चों के पास, स्कूल में पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, डेस्क टूटे हुए हैं, टीचर्स शॉर्टेज हैं, टीचर्स ही नहीं हैं, बच्चे 8 में से पीरियड्स लग रहे हैं उनमें से 1 में टीचर आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, बस 6-6 खाली जा रहे हैं। तो फिर बच्चे दिन पे दिन इसलिए घट ही रहे हैं, जब पढ़ाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? सर लूपहोल्स यही है कि इसके अंदर की सरकार को सोचना चाहिए और मैनेजमेंट के, क्योंकि जिस हिसाब से टीचर की शॉर्टेज है उसको कम पूरा करा जाए, और जिस हिसाब से देखा जाए दीवारें ख़राब है हमारे स्कूलों की, और जितने भी जो बच्चे हैं, मतलब ये लगा लो अब दिन पे दिन वो शॉर्टेज जितनी होती जा रही है बच्चों की, एडमिशन नहीं हो रहे हैं बच्चों के। मतलब एक टाइम ऐसा था कि हमारे टाइम पे स्कूल का इतना नाम था, मैं प्राउडली फील होता था कि हमारा स्कूल कितना अच्छा है, बेटर फील होता था। बट इस टाइम पर अब हम रिसेंट में कुछ टाइम पहले स्कूल में गए, देखा तो वहाँ के हालात ही बहुत ख़राब थे, और इतने बुरे हालात है जिसकी कुछ उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हम और टीचरों से भी मिले। तो दोस्तों इसी के मुताबिक दरियागंज जैन स्कूल के एलुमनाइज ने स्कूल अथॉरिटीज को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। उस लेटर में एलुमनाइज ने कहा, विषय जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरियागंज ID 2127092 के विलुप्त होते कगार हेतु जागृति अभियान। ये एक अभियान था जो दरियागंज जैन स्कूल के कुछ छात्रों ने छेड़ा। हम भूतपूर्व छात्र आपका ध्यान अपने विद्यालय जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरियागंज की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। विद्यालय और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए सहायता की गुहार लगाना हम ज्याती तौर पर चाहते हैं। ये बात कही दरियागंज के कुछ एलुमनाइज ने। विद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कुछ सभ्य और सुलझे हुए अध्यापकों से मिलने की जिज्ञासा हम सभी को विद्यालय की ओर आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप कुछ दिन पहले हम भी अपने भूतपूर्व विद्यालय जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरियागंज पहुंच गए। साथ ही अपने कुछ मित्रों को अपना विद्यालय दिखाने बहुत ही मन से ले गए। विद्यालय परिसर में घुसते ही विद्यालय बिल्डिंग की दीवारों के फीके पड़े सालों पुराने पुताई और प्लास्टर उखड़ी दीवारों की कहानी खुद ब खुद विद्यालय की छवि को धूमिल कर रही थी। विद्यालय में घूमते हुए हमने अपनी कक्षा की दीवारों को भी बहुत ही खस्ता हाल में पाया। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली की परेशानी तो बहुत ही सामान्य सी बात है। शौचालय को देखते ही किसी भी पिछड़े हुए सदियों पुराने गांव की स्थिति का आभास हुआ, जिसमें ना ही पीने को पानी था और ना ही साफ सफाई, ना ही किसी निकासी को कोई सुविधा उपलब्ध थी। शौचालय की गंदगी और बदबू किसी तबेले की कल्पना करवाते हैं। यहाँ तक कि उपरोक्त सारी स्थिति हमारे अध्यापकों के शौचालय स्टाफ टॉयलेट में भी देखने को मिलती है। शौचालय की इस हालत को देखते हुए कोई भी व्यक्ति मजबूरन उपयोग नहीं कर सकता, जिससे हम विद्यार्थी एवं अध्यापक स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत अनियमित गतिविधियों से परेशान रहने को विवश होते हैं। बात जब विद्यालय की लाइब्रेरी देखने को आई तो हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी तो पिछले लगभग 20 सालों से ही नहीं थी। हमें विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के साथ लाइब्रेरी और खेलकूद की अन्य कोई सुविधा उपयुक्त विद्यालय में नहीं दी गई। हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की श्रृंखला में खेलकूद का अनोखा महत्व भी रहता है, परंतु हम विद्यार्थियों को हमारे मौलिक अधिकार से वंचित रहने को मजबूर किया जाता है। दोस्तों जब कथा पे हमने एक जैन मॉन्ग से बात करी, एक जैन मॉन्ग का जब हमने इंटरव्यू किया, तो 1008 दिगंबर श्री सुबल सागर महाराज का कहना था कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर एक अदर कम्युनिटी है, जो सबसे ज्यादा कर अपनी सरकार को देती है, तो जैन कम्युनिटी है। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद, और ये पत्र अभी हमने सेवादा ही पढ़ा है, इस पत्र को पढ़ने के बाद क्या लगता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स करने वाली वो कम्युनिटी, देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला वो समाज, क्या अपने स्कूल को टैक्स नहीं पे कर रहा, या वास्तविकता में अगर पे कर भी रहा है तो पैसा जा कहां रहा है? दोस्तों इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों के शौचालय के अंदर घुसते ही एक ऐसी बदबू, एक ऐसी स्मेल उन्हें महसूस हुई, जिस स्मेल को वो घोड़े के तबेले से कंपेयर कर रहे हैं। ये बात दिल्ली के अंदर, यदि हमारी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि दिल्ली के स्कूलों की छवि 10 साल पहले और आज एक प्राइवेट स्कूल से कम नहीं, तो माफ कीजिएगा, ऐसी सरकार पर यह सवाल करना जरूर लाजमी है कि क्या वे तमाम सरकारी स्कूल दिल्ली के ही अंदर है? क्या वे तमाम सरकारी स्कूल दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है?
क्योंकि ये जिस स्कूल की बात हो रही है वो तो दिल्ली की प्राइम लोकेशन दरियागंज का स्कूल है, नई दिल्ली का स्कूल, जिसमें एडमिशन लेने के लिए एक जमाने में बच्चों के माँ बाप और खुद बच्चे तरसा करते थे। और आज इस स्कूल का मैनेजमेंट इतना खराब है कि उस स्कूल के शौचालय की तुलना एक तबेले से की गई। स्कूल एलुमनाइज ने आगे अपने पत्र में लिखा कि विद्यालय घूमते हुए हमने देखा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही कम मात्रा में नजर आ रहे हैं। तो कुछ छात्रों से बात करने पर पता चला कि विद्यालय में अब केवल 140 ही विद्यार्थी शेष रह गए हैं। पिछले कुछ महीने से तो 20 से 30 विद्यार्थी ही पढ़ने आ रहे हैं। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस संदर्भ में आप सभी महानुभावों को सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष 2002 तक प्रधानाचार्य और कार्यवाहक उप प्रधानाचार्य पदासीन रहे थे। उस समय तक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1950 रही और शिक्षक स्टाफ की संख्या तकरीबन 72। 1950 छात्रों से सीधा घट करके ये जो ग्राफ आया वो आया 140 का, 1950 से सीधा 140, और ये कुछ ही सालों का डेटा है दोस्तों। स्कूल एलुमनाइज ने आगे बड़ी दिलचस्प बात लिखी। उन्होंने लिखा कि विद्यालय में घूमते हुए सभी प्रधानाचार्यों को देखने की जिज्ञासा रखते हुए प्रधानाचार्य कक्ष की ओर बढ़े तो सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए क्योंकि विद्यालय प्रमुख की सीट पर श्रीमान एस के वाष्णेय बैठे हुए हैं, जो कि इस विद्यालय के सबसे चर्चित सुर्खियों में रहने वाले वे विद्यापक हैं जिनके आचरण से कभी भी सभ्य, मधुरभाषी, शालीन और शिक्षित गुणों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बात करने पर पता चला कि एस के वाष्णेय जी का अध्यापकों, विद्यार्थियों और आने वाले अभिभावकों से दुर्व्यवहार वाष्णेय जी के अमानवीय चरित्र को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अमानवीय चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाना, ये बात हो रही है स्कूल अथॉरिटीज में से एक मिस्टर वाष्णेय की। जब वाष्णेय अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे थे तब भी इनका परीक्षा परिणाम सबसे कम अंकों में ही आता जाता था, जिसका एकमात्र कारण अज्ञानता रही है, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूशन फीस लेकर बच्चों को अलग से ट्यूशन क्लास देने का प्रलोभन देते हैं, जिसके बाद भी बच्चे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। इस क्रिया चरित्र का व्यक्ति किस प्रकार शिक्षा के मंदिर में प्रधानाचार्य के पद का ग्रहण कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहता है। साथ ही हमें यह भी ज्ञात है कि संस्कृत महाविद्यालय समानांतर चलता था जो कि बंद हो चुका है। जैन बाल आश्रम भी बंद हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चिंता का मुद्दा ये कि भविष्य में ये जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। दोस्तों, इस पत्र में जहां जैन आश्रम की बात की गई तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैन आश्रम दिल्ली के उन तमाम प्रतिष्ठित आश्रमों में से था जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्रों का, लाखों बच्चों का जीवन एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। जैन आश्रम से बहुत से एलुमनाइज है, जैन आश्रम से ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां से पढ़ करके, ऐसे बहुत से यतीम बच्चे, अनाथ बच्चे जो वहां से पढ़ करके आज सरकारी औहदों पे एक अच्छे रैंक पर हैं, या जो लोग वफात भी हो चुके हैं उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम किए। इस पत्र के अनुसार वो जैन आश्रम भी खत्म हो चुका है, इस पत्र के अनुसार एक संस्कृत स्कूल खत्म हो चुका है, और इसी पत्र के अनुसार एक दिन वो भी आएगा जब जैन स्कूल की इमारत पर, जब जैन स्कूल अथॉरिटीज पर ताला लटक जाएगा। आगे लिखा गया है कि हमारे जैन समाज की मान्यता है कि जहां जिनालय होगा वहां विद्यालय होगा। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा भास होता है कि भविष्य में जैसे हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अन्य समुदाय द्वारा कब्जा किया जा रहा है, वैसे ही उपयुक्त विद्यालय या अनदेखे अनसुने विद्यालयों को भी दूसरे समुदाय द्वारा हड़प लिया जाएगा। आवश्यकता है कि सच्चाई को अनदेखा ना करते हुए समय रहते आप सभी धर्म को समर्पित महान अनुभाव जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरियागंज की ओर विशेष ध्यान देते हुए अपने धर्म के प्रति कर्तव्य पूरा करने की कृपा करें। जिस प्रकार उपयुक्त एक विद्यालय का खुलासा किया जा रहा है, उसी प्रकार से भविष्य में अन्य जैन समुदाय जिसमें डी जैन विद्यालय, सदर बाजार, जैन विद्यालय ग्रीन पार्क के विद्यालयों को बारीकियों से खंगाला जाए और वहां के तमाम मसले मसाइल को लोगों के सामने पेश किया जाए, जैसे आज कथा आप सभी के सामने इस मसले को लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या इस विद्यालय की जो आज मौजूदा स्थिति है, इस स्कूल की जो स्थिति है, ये धर्म की वजह से खराब हुई? क्या एक जैन स्कूल पर कुछ सांप्रदायिक लोगों ने कब्जा कर लिया, या फिर जैन मैनेजमेंट नहीं इस स्कूल के बेड़ा गर्क करने में, इस स्कूल का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? सवाल यह उठता है कि ये जैन मैनेजमेंट क्या है? सवाल यह उठता है अगर जैन स्कूल के एलुमनाइज ये कह रहे तो जैन स्कूल के आज जो मौजूदा बच्चे जैन स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका क्या कहना है? दोस्तों, इस समय बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां जारी है, इसी वजह से हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर जैन स्कूल के बाहर जाकर, अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं दी जाएगी, तो जैन स्कूल के बाहर जाकर हम चाहते हैं कि हम बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि वे क्या चाहते हैं, उन लोगों के क्या फीडबैक्स है स्कूल को लेकर, स्कूल अथॉरिटीज को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर।
लेकिन जिस दिन भी जैन स्कूल एक बार फिर खुलेगा, तमाम दिल्ली के स्कूल खोले जाएंगे, उस दिन हम आपसे इतना वादा जरूर करते हैं कि कथा अपनी टीम के साथ जैन स्कूल के बच्चों से बात करेगा कि वे बच्चे वास्तविकता में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे इस अभियान में जुड़े। यदि वास्तविकता में बच्चों का भविष्य तार तार होने की कगार पर है, यदि वास्तव में बच्चों का भविष्य बराए ताक रख दिया गया है, चाहे सरकार द्वारा चाहे किसी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट द्वारा, अब यह भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने तमाम बच्चों को नाकामयाबी के दलदल से निकाल करके कामयाबी की ऊंची सीढ़ी तक पहुंचाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।